हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेसिपी के ग्रीस पाठक और फेसबुक पेज बेकरी सेफ ग्रीस पाठक में। तो आज आप लोगों के सामने यहाँ पे दो नोजल है। दोनों नोजल अलग अलग रखे हैं, देख सकते हैं। ये हल्का सा सी टाइप का है, ये मुड़ा हुआ है और ये प्लेन है, जिसको हम R11 बोलते हैं। वैसे लिखा नंबर कुछ भी नहीं होता इसमें, R11 के नाम से सभी बोलते हैं, तो ये R11 है। इसी शेप में एक इतना सा नोजल और भी आता है, जो कि ये है, ये देख सकते हैं, ये है इसी तरह का। तो आपको नोजल कोई भी मैटर नहीं करता कि आपने कौन से फ्लावर बनाना है, क्या करना है, ये सारा कुछ इस चीज़ के लिए। आपको आज हम R11 से ही सारे रोज भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, जितने फ्लावर हो सकते हैं कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और पेज पर जो नए हैं तो फॉलो करना। बाकी चलिए मिलते हैं आपको अब पाइपिंग बैग में क्रीम भर लेने के बाद। क्रीम का ध्यान रखें कि आपकी क्रीम स्मूथ होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि ये है, ये स्मूथ क्रीम है, तो इससे हम आप फ्लावर बना के दिखाएंगे। ये देखिए, अब इसको मैं ज़्यादा कलर वगैरह तो अभी हल्के हल्के कलर करूँगा आपको दिखाने के लिए। तो अब आपको एक फ्लावर वाला ये स्टैंड की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम सिंपल फ्लावर, ये देखिए, आप ये सामने से देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से एक गोल इस तरीके का बना लीजिए, और अब इसको इस तरीके से देखिए, इस तरीके की कलियां देते रहें इसमें। ये हो चुका है इतना। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा येलो डाल देंगे और पिंक डाल देंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। ये हो चुका है फ्लावर रेडी। आपको ये फ्लावर कैसे, एक एक ही फ्लावर बनाऊंगा मैं सारे। सेकंड के लिए भी आपने क्या करना है, इसमें इसी तरीके से ये देखिए लट्टू सा बनाना है। और अब क्या करना, आप देखिए, ये देखिए नोजल को सीधा खड़ा रखना आपने, और इस तरीके से ये कलियां इस तरीके की बना लेनी है इसमें। ये देखिए इस तरीके के से कलियां बना ली। ये बना लेने के बाद इसमें आप कलर, मैं तो मेरे को तो जो सही लगते हैं कलर वही कर रहा हूँ। ये पर्पल कलर है, हल्का लाइट पर्पल डाल दिया, ये देख सकते हैं आप। अब इसके बाद तीसरा फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे हम। तीसरे के लिए भी हमने सेम चीज़ की, और उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए थोड़ी सी ये देखिए इस तरीके से बड़ी कली डाल दी। चाहे तो कलर कोई भी कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ इस पर, और बीच में थोड़ा सा येलो कर सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट फ्लावर, चौथा फ्लावर है जो हमारा, वो कुछ इस तरीके का है। देखिए आपने क्या करना, गोल बना लिया इस तरीके से, और हाथ को हल्का जिग जैग हिलाना है इस तरीके से, और आगे को चलते रहना है। आपका फ्लावर ये भी बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इसमें भी आप चाहें तो जो कलर आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं आप। यहाँ पे येलो कर दिया, इसके बाद फ्लावर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, आपने इस तरह की एक ये बना लेने के लिए, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया आपने घुमाना, घुमाते रहिए और इसको छोड़ते रहिए। ये देखिए ये हो गया, इसको भी अभी हम फिलहाल रेड ही कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल सिंपल इजी फ्लावर है ये भी। अब इसके बाद आपको छठा फ्लावर दिखाएंगे हम इसी तरीके से, छटा दिखाएंगे आपको रोज। ये देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आपने क्या ध्यान देना है, बस ये देखिए ये
बस नीचे को उल्टा सी। आप चाहें जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं, जितना छोटा बना सकते हैं। यहाँ पे पिंक बना दिया, ये पिंक रोज। और इसके बाद और देखते हैं फ्लावर। एक नोजल से सिर्फ सारे फ्लावर बन रहे। अब ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की कली बना दी। और उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे से इसको, ये देखिए नीचे से हाथ को झिक जाए खिलाते हुए, इस तरीके से इसको आपने उल्टा हाथ रखना है, तब जाके आपका फ्लावर सही बनेगा। और इसमें चाहे तो आप पहले एक जो कली बनाई है इसमें पहले कलर डाल दोगे और भी बेस्ट रहेगा। इसको चाहे तो आप वाइट भी रख सकते हैं, देख सकते हैं आप ये। तो देखिए सात फ्लावर बना लिए मैंने। इसमें फिर से क्रीम ले लेते हैं हम इसी पाइपिंग बैग में, और फिर और भी फ्लावर और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से बना रहे हैं हम फ्लावरों को। तो चलिए अब यहाँ पे हम फ्लावर बनाएंगे, कौन सा, ये भी सिंपल इस तरीके से। इसमें भी आप ये कर लीजिए, और इसमें हम पहले से कलर कर लेते हैं ताकि और भी अच्छा लगे। ये देखिए इसको कलर कर लिया, और अब आपने ये स्टार्ट करना है यहाँ से, जो ये देखिए हाथ को बस आपने हल्का हल्का हिलाते जाना है और पूरा घुमाते जाइए। ये देख सकते हैं आप, आपके सामने फ्लावर ये भी रेडी हो चुका है। कलर आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं इसमें, जो आपको चाहिए हो आप वो कलर यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्लावर कैसा लगा आपको, ये भी कमेंट में आप कमेंट में ये ज़रूर बताना कि फ्लावर कौन सा आपको अच्छा लगा। अब इसके बाद आपको मैं इसी से छोटा रोज बना के दिखाता हूँ। ये देखिए छोटे रोज के लिए क्या करना है आपने, ये एक कली, उसके सामने दूसरी, फिर साइडों से ये देखिए ये छोटा बन गया। ये देखिए रेड कलर भी परफेक्ट आ जाता है इससे। देख सकते हैं आपको मैंने 9 फ्लावर अभी यहाँ पे दिखा दिए। और अब लास्ट फ्लावर एक और दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरह से वो गोल बना लिया और हल्का जिगजैग किया। ये देखिए इतना रखा, ये फिर से इतना, फिर इतना, ये देख सकते हैं। ये पूरा इस तरीके से बन चुका है। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो कौन सा फ्लावर आपको अच्छा लगा और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ये सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। तो बाकी अब मैं आपको एक दो फ्लावर इससे भी बना के दिखाऊंगा, यही चीज़ सेम बनेगी। तो चलिए ये भी बना के दिखाते हैं आपको। तो मैं इसमें फटाफट दूसरी पाइपिंग बैग में क्रीम ले लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो चलिए गए जी, मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग में ले ली है क्रीम, और अब आपको पहले दिखाता हूँ मैं जो सबसे पहले फ्लावर मैंने बनाया वो। ये देखिए इस तरीके से, बस इस नोजल से आपके थोड़े फ्लावर उस नोजल से छोटे बनेंगे, लेकिन फ्लावर बन जाएंगे। फ्लावर के लिए आपके पास अगर R11 नहीं है तो ये इससे भी बना सकते हो आप, अगर ये है तो R11 के फ्लावर भी इससे बना सकते हो आप। इसलिए मैं आपको एक दो फ्लावर अभी बना के दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो हमारा ये भी पूरा भर चुका है फ्लावर से। अब मैं एक आपको रोज भी बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए छोटा रोज, ये देख सकते हैं आप, ये रेड रोज भी बन गया हमारा। इसके बाद आपको एक फ्लावर और दिखा देते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे कि इससे आप फ्लावर बना सकते हो, किस तरीके से बनाना है ये सारा कुछ। देखिए इस तरह से भी बना सकते हो आप, देखिए इसमें कलर डाल दीजिए, दो तीन कलियां इस तरीके से
डाल के बना सकते हो इसको भी। तो आपने यहाँ तक वीडियो देख ली, तो कौन सी भी फ्लावर आपको अच्छे लगे एक बार आप पास से भी देख लीजिए, जो फ्लावर आपको अच्छा लगा हो आप उस पर और बेसिक से अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना नेक्स्ट टाइम। और केक पे किस तरीके से लगाते हैं हम ये सारे फ्लावर, ये भी देखना चाहते हो तो आप इसके लिए भी कमेंट कीजिए, मैं आप वीडियो लेके आऊँगा। तो जो नए हैं तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना। फिर मिलेंगे आपको ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।